अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई से नाराज शिवसेना सामना में लिखा, पीडीपी को समर्थन करने वाली बीजेपी इस मामले से खुद को किनारा नहीं कर सकती। सामना में छपा लेख, मुफ्ती मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर मामला दर्ज होना चाहिए, पाक हाई कमीशन को देश से बाहर कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर शिवसेना ने पूछा, अगर पीडीपी ने बीजेपी को अंधेरे में रखा तो जम्मू कश्मीर में सहयोगी बनकर बैठे बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे। लोकसभा में जमीन अधिग्रहण बिल पास, लेकिन शिवसेना वोटिंग के वक्त सदन में रही गैर हाजिर। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा, विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना। अमर साबले होंगे महाराष्ट्र से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार, मंगलवार को भरा पर्चा, कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के निधन के बाद खाली हुआ था पद। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, आरक्षण रद्द करने संबंधी आदेश की कॉपी जलाई। मुंबई के नए विकास प्लान का एमएनएस ने किया विरोध, और एक कॉलोनी में मेट्रो के 3 प्रोजेक्ट के ऑफिस पर बोला हमला। 2011 के मावल फायरिंग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, पूछा किसने किसानों को मारा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधानसभा में कहा, सड़कों की बेहतरी के लिए बनाई जाएगी नई नीति। मुंबई के आरोपी कांस्टेबल के लॉकर और 12 किलो एमडी ड्रग बरामद, 2 दिन पहले उसके घर से जब्त हुए थे 110 किलो ड्रग। नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, 1 मार्च को आर्य कॉलोनी में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली थी लड़की की लाश। बीएमसी में स्वाइन फ्लू को लेकर विपक्ष का हंगामा, नारेबाजी के बाद कांग्रेस की 6 महिला नगर सेवक 15 दिन के लिए सस्पेंड। मंगलवार को मुंबई में स्वाइन फ्लू से 1 प्रेग्नेंट महिला की मौत, केईएम अस्पताल में चल रहा था इलाज। मुंबई में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 22 हुई, अब तक कुल 1041 मामले आए सामने। स्वाइन फ्लू से जुड़ी जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रोकथाम के कदमों पर पूछे सवाल, जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त। बेमौसम बारिश का खरीफ फसलों पर बुरा असर, दालों की उपज में आ सकती है 60% तक गिरावट। जानकारों के मुताबिक कम पैदावार से मंडियों में कम सप्लाई होगी, महंगा हो सकता है दाल। अल्फांसो आम और अंगूर की पैदावार पर भी गंभीर असर, बारिश की वजह से क्वालिटी में गिरावट की आशंका। संजय गांधी नेशनल पार्क में आंखों के बिना मिली 7 बंदरों की लाश, 1 घड़ियाल का भी मृत शरीर मिला, जानवरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। मुंबई के नेशनल पार्क में बंदरों की मौत पर जागा प्रशासन, फॉरेस्ट अधिकारी और पुलिस जांच में जुटे। आज 1965 की लड़ाई के 50 साल पूरे, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आज शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन। भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में एसीबी, मुख्यमंत्री फडणवीस से मिली हरी झंडी। बीएमसी ने शहरों को जुर्माना भरने के लिए गुरुवार तक की मोहलत दी, अवैध पार्किंग मामले में 1,93,000 का लगा है जुर्माना। आमिर खान के बाद अब ऋतिक रोशन भी होंगे न्यूड, गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदाड़ो में आएंगे नजर।